संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ईडब्ल्यूएस कोटा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए इस पर सदन में चर्चा की मांग की। तो वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा की मांग की है। आपको बताएं, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम को एक महीने आगे बढ़ाया गया था। पंडितों के ऊपर जुलूम शुरू हो चुके हैं, पंडितों कश्मीर भागने की तैयारी में है। ये भी मुद्दा हम उठाए हैं कि हिंदुस्तान के किसानों के साथ जो आप लोगों ने करार किया था, मोदी जी कहते कि तपस्या में कोई गलती रह गए हैं तो गलती के सुधारने के लिए एमएसपी की जो मुद्दा, ये एमएसपी निश्चित कराया जाए। संडे के दिन क्रिसमस है, हम सब क्रिसमस मनाएंगे, दैट्स व्हाट वी हैव रिक्वेस्टेड देम। एंड इसके लिए अगर 25 के बाद हम काम ही नहीं करेंगे, ये क्या तरीका है? दिस इज नॉट गुड। एंड हमको काम करना है तो 24-25 दो दिन का छुट्टी है। अगर बहुत उनके आग्रह है तो हम 26 के बारे में भी, अगर वो बीएसई में चर्चा करते तैयार है, लेकिन बाद में एक दिन और बैठना पड़ेगा। वी आर ओके विद दैट।